Welcome to A18 Telangana News. RTI activist and Waqf protection activist Syed Iftequar Hussaini requests to immediate implement on Mansha Waqf to help needy people. Mohammad Salim Saab, Chairman Waqf Board, UNI press conference करके ऐलान किए थे कि हम जो है ना Mansha Waqf के तहत Waqf Board में जो amount है उसको हम Mansha Waqf के तहत इन हालात में गरीब और गुरबा मुश्किलों में जो है ना हम तकसीम करेंगे. बहुत खुशाइंदा बात है. सलीम साहब एक बहुत बेहतरीन डिसीशन लिए है जिसको करना भी चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में काफ़ी पैसा पड़ा है जिसका मंशा है वक्फ खुद मुश्किलों में, गरीबों में, यतीमों में देना है. और वो मंशा है वक्फ की तकमील कभी भी नहीं हो रही थी. आज सलीम साहब ने ये पहली बार ऐसा डिसीशन लिया है कि हम मंशा है वक्फ को जो है ना तकमील करते हुए जो अमाउंट जो है ना हमारे पास है उसको हम रोब अमल लाते हुए मिस्किनों में इन हालात में तकसीम करेंगे. बहुत ही अच्छी खुशाइंदा बात है. सलीम साहब को मैं इस बारे में मुबारकबाद भी देता हूँ. और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज साहब, अब ये दोनों एक बहुत बेहतरीन, सलीम साहब एक जज्बाती आदमी हैं, ऐसे मामलात में जो है ना वो वक्त के अलावा भी खुद अपने ज़ाती तौर पे भी जो है ना कोई चीज़ करने से पीछे नहीं हटते. सारा शहर हैदराबाद जानता है. अगर किसी मेंबर्स या किसी की भी तरफ से अगर कोई रुकावट आ रही है तो नहीं करना चाहिए. वक्फ बोर्ड की अवलियन ड्यूटी ये है कि मंशा वक्फ की तकमील करना. अब वक्त आ गया है कि मंशा वक्फ की तकमील किस अंदाज में किया जाता, कहाँ तक किसका हक किसको पहुँचाया जाता, ये वक्फ बोर्ड के लिए, सलीम साहब के लिए, चेयरमैन CEO साहब के लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम है. इसको कामयाब करके बताना, कम अज़ कम 2 या 3 करोड़ रुपये जो है ना गरीब गुरबा में, अजला में, तेलंगाना के तमाम मुसलमानों में जो है ना ये खर्च करके बताइए कि आप एक कामयाब चेयरमैन और कामयाब CEO हैं. इसके लिए किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है. सारे अख्तियार CM चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हैं. और चेयरमैन साहब CM साहब भी इस बारे में जो है ना बहुत अच्छे ख्याल रखते. वो भी चाह रहे हैं कि भाई कहाँ तक हो सके गुरबा में मुस्तहकिन में इसका डिस्ट्रीब्यूट हो. तो इसके लिए मैं जहाँ तक जल्दी हो सके करें, क्योंकि एक एक दिन, एक एक लम्हा, एक एक टाइम, एक एक घंटा जो है ना इन मजबूर लोगों के लिए एक पहाड़ जैसा नज़र आ रहा. तो इसके लिए जो है ना देरी नहीं करना चाहिए. जल्द अदा कर जल्द करिए. और वक्फ बोर्ड का मामला ऐसा है कि किसी किस्म का कोई डिसीशन लेना वहाँ पर जो है ना ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती, कई किस्म की रुकावटें शुरू हो जाती. ये हमारे अखिलती इदारों में है. जब कोई इंसान अच्छा काम करना चाहता है तो उसके ऊपर तोहमतें आ जाते, उसका ट्रांसफ़र हो जाता, उसके ऊपर नाजायज जो है ना ब्लेम कर देते, उसके ऊपर जो है ना CBI इंक्वायरी के लिए असम्बली में बयान दे दिया जाता. आज तक कोई CBI इंक्वायरी नहीं हुई. हम तो चाह रहे हैं कि CBI इंक्वायरी करो. खाली बयान दे के या किसी को डरा के जो है ना अपने मसाइल हल करने से कोई हल होने वाला नहीं. अब CBI इंक्वायरी कराओ तमाम माइनॉरिटी इदारों पे, वक्फ के जायदादों पे जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हो गए उस बारे में भी सलीम साहब जो है ना स्पॉट डिसीशन ले रहे. मैंने देखा है कि 8-10 दिन 15 दिन पहले भी जो है ना पहाड़ी शरीफ 2 बजे रात को जाके जो है ना डिमोलिशन करे. पहाड़ी शरीफ में इंक्रोचमेंट हुआ, रात के 2 बजे जाके जो है ना पूरा वक्फ बोर्ड का हमला डिमोलिशन करा. मौलाली में, मलकाजगिरी में, बहुत सारी जगहों पे, लेकिन बहुत अच्छा काम हो रहा. तो तमाम चीज़ें बात का मसला है, लेकिन इस वक्त जो है ना लोगों को रिलीफ पहुंचाने का काम किया जाए जितना जल्द हो सकता है उतना जल्दी करने के लिए. अब जैसा ही जैसे पहली तारीख है, काफ़ी लोग के घरों में राशन ख़त्म पे है और वक्त का काम है कि मुसलमानों की मदद करें. और वो आज ये वक्त में जल्द से जल्द स्टेप नहीं उठा रहे लोग. काफ़ी लोग परेशान हैं और वक्फ बोर्ड का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा. तो ये एक्शन जल्द से जल्द क्यों नहीं ले रहे लोग? देखिए, इससे पहले कई बार ऐसे कर्फ्यू हैं, कई ऐसे हंगामी हालात आए, कभी भी वक्फ बोर्ड अपनी तौर पर वक्फ की तकमील कभी भी नहीं करा, ना कभी किसी मिस्किनों में, गरीबी में, गुरबा को. हाँ, अलबत्ता ये किए हैं कि कुछ बोर्ड मेम्बर उन्होंने अपने ज़ाती तौर पर सिफारिशात ला के जो ना किसी एक को दो को गिराना करा लिए, जिसको मिलना है उसको नहीं मिला. ये पहली बार है कि चेयरमैन जो है ना मंशा वक्फ की तकमील करने का वादा किया. ये पहली बार है.
और अगर ये मंशा वक्फ की तकमील होंगी तो मैं समझता हूँ कि ये 15-20 साल 25 साल या वक्फ बोर्ड की तारीख में ये पहली बार होगा ये, और बहुत अच्छा फैसला लिया है जिसमें सीईओ का, चेयरमैन का और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का एक बड़ा कॉपरेशन चल रहा है। यहाँ पर क्या है, ब्लैकमेलिंग ज़्यादा है, माइनॉरिटीज आप किसी भी अकलीती इदारे में जाइए कि खुलकर कोई काम नहीं कर सकता, या तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, ईमानदार ऑफिसर आएगा, या नहीं तो ब्लैकमेल का शिकार होगा, या किसी भी किस्म की जो है ना उसके साथ हरेसानी होगी। ये एक बड़ा हमारी कमजोरी है। और गली गली में ये जो काम हो रहा है, मैं भी ये आपकी बात की तायीद करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको कराया जाए, जितना जल्दी हो सके। और ये अख्तियारत है, इसमें किसी की इजाज़त लेना या किसी का वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन को, सीईओ को खुद अपने ज़ाती तौर पे कर सकते, वो लोग को पूरे अख्तियारत है। मैं समझता हूँ कि मेरे को जहाँ तक मालूम है बोर्ड मीटिंग की भी या बोर्ड का इजलास तलब करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हो तो भी इमीडिएट जो है ना एजेंडे जो है ना फोनों पे भी आप इजलास कहाँ हो रहे बिजाई की जो है ना साइन करके मंगा ले सकते हैं, और इसमें कौन से किसकी क्या औकात है वो भी नज़र के सामने आ ही जाता, कौन ऑब्जेक्शन करता नहीं करता।